10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। ये ज्योति मौर्य का साइड इफेक्ट है जो बिहार के बक्सर तक जा पहुंचा। बीपीएससी की तैयारी कर रही खुशबू को पति ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया तो पुलिस के पास पहुंच गई। गुहार लगा रही है कि पति को समझाइए, पढ़ाई का खर्च दिलवाइए, मैं ज्योति मौर्य की तरह नहीं बनूंगी। हालांकि पति पिंटू का दिल गवाही नहीं दे रहा, वो पुलिस के सामने कह रहे हैं कि बीबी की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं, इसलिए अब घर बैठाएंगे। बक्सर के चौगा की रहने वाली खुशबू की साल 2010 में पिंटू से शादी हुई। सरकारी नौकरी के चाहत में खुशबू प्रयागराज रहने लगी। बीते कई सालों से पिंटू पत्नी को खर्च दे रहे थे, मगर जैसे ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी वायरल हुई उसके बाद से पिंटू डरे। उन्हें भी पत्नी की बेवफाई का डर सता रहा है और इसलिए प्रयागराज से वापस बुला लिया, कहा कि चाहे जो हो जाए बीवी को पढ़ा नहीं पाएंगे। और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई स्टॉपेज होगा। यूपी की ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद कितना पर्सनल है और कितना प्रोफेशनल, कितना झूठ है, कितनी हकीकत, इसका जवाब इन्हें बेहतर मालूम है, मगर खुशबू जैसी कई महिलाओं का इससे मनोबल टूट रहा है। बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं, अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं आगे का मन मती कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। सोशल मीडिया में ज्योति और आलोक की बिगड़ी केमिस्ट्री को लेकर मीम्स बन रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं, दावा ये भी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही 135 पत्नियों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया। जब आखिर सच है ये जानने के लिए हम प्रयागराज के कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली अलग अलग लड़कियों से मिले। हमारे भी कलीग्स वगैरह भी हैं और काफ़ी हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो महिलाएं मतलब शादीशुदा भी हैं और अनमैरिड भी हैं, वो तैयारियां भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। और मैं भी एक शादीशुदा हूँ और मैं तैयारी भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे मतलब फैमिली में मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। और इनका जो ज्योति मौर्य का केस उठ रहा है तो इनके हस्बैंड ने शादी के समय भी तो झूठ बोला कि वो वीडियो के पद पे हैं, लेकिन वो बाद में उनका कुछ और पोस्ट निकला, तो जब वो स्टार्टिंग में ही सच नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है इंटरनल बहुत सारी बातें हो जो हमें ना पता हो, तो किसी के पर्सनल मैटर में इस तरह से जज करना पहली बात तो वो गलत है। और ये जो अफवाहें उठ रही है कि 135 पतियों ने बुला लिया, इसके काफी ट्रोल भी हो रहा है, रील्स वगैरह बन रहे हैं, भोजपुरी में गाने तक आ चुके हैं, इवन ये सरासर गलत है, 1% सच्चाई नहीं है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो मैरिड है, वो भी प्रिपरेशन कर रही है, और कोई भी ऐसी बात जो इस तरह की है सर ये अफवाह ही है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ने किसी ने भी नहीं नाम करवाया। मेरे साथ के और बच्चे मेरे साथ वो मेड भी हैं, स्टूडेंट हूँ एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, तो ऐसा अभी तक तो जानने में नहीं हो रहा है चीजें कि किसी का नाम कटवाया गया या कुछ भी, लेकिन चूंकि हम नेगेटिव चीजों को इतना प्रोग्रेस कर देते हैं तो हो सकता है इसका भविष्य में इंपैक्ट पड़े, नो डाउट। अभी तक तो किसी का नाम नहीं कटते हुए नजर आया है, लेकिन इतना र्यूमर चूंकि फैल रहा है तो हो सकता है कि इसका भविष्य में ऐसा इंपैक्ट पड़े कि लोग सच में कटवाना शुरू कर। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली में पीसीएस अधिकारी हैं और आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी। दोनों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों को मिर्च मसाला लगाकर सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया जा रहा है। अफवाहें लखनऊ के कोचिंग सेंटर तक उड़ चुकी हैं। तो क्या उस घटना का असर आपकी कोचिंग पर शादीशुदा महिलाओं पर देखने को मिल रहा है? क्या कोई ड्रॉप आउट हुआ है कि कोचिंग छोड़कर उनके पतियों ने निकाला हो या इस तरह की कुछ चीजें? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मॉर्निंग बैच में भी आज भी सारी जितनी आ रही थी फीमेल्स मैरिड है वो भी आ रही है, चीजें सब वही है। ये एक इंडिविजुअल पर्सनल मैटर है, एक सिर्फ एक होता है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये सारी फीमेल्स को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते है ना, कि जो भी बाहर जा रहा है वो ऐसा कर रहा है, या बोल सकते हैं कि जो मैटर रहा है उसमें जो मेल पर्सन है वो भी तो मैरिड है, तो कह रहे सारे जितने मेल पर्सन मैरिड है वो भी प्रिपरेशन करना छोड़ दे। लखनऊ में कोचिंग चलाने वाली श्वेता इस तरह के दावों का खंडन करती है, मगर क्या सहारनपुर में भी इसी तरह की बातें सुनाई दे रही हैं? ये हमने जानने की कोशिश की।
किसी एक को देखकर ऐसे तो नहीं कर सकते, एक जैसे तो सब होते ही नहीं है। और समझना भी चाहिए, सिर्फ न्यूज देख के और एक साइड की बात सुन के आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वापस बुला लो, नहीं गलत बात। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अगर एक लेडी ऐसे कर दिया तो उसे देख के 10 जनों की और हिम्मत बढ़ती है। ठीक है, आज मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल लड़कियां उस चीज का बहुत गलत फायदा उठा रही है, बहुत गलत। ठीक है, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, सब कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन परिवार को दरकिनार करके नहीं होना चाहिए। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसके हस्बैंड ने उसके लिए इतना किया है तो उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। और कल वो देश के लिए क्या करेगी अगर उसने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया। कहानी असली है मगर स्क्रिप्ट फिल्मों जैसी, और इसलिए आलोक मौर्य के आरोपों के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य भी सामने आई। ज्योति ने आलोक पर झूठे होने के दावे कर दिए, हालांकि पर्सनल मैटर को पर्सनल ही रहने की अपील भी की। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।